अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कीम छो एंड वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूँ अनम शेख आपके साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है ऐसे सिंगर जिन्हें हर लड़कियाँ कहती है, बन जाओ ए मेरे हम सफ़र, कभी तो हमारी गर्ल सुन और अब तो एक बार नैन जोड़ ले। तो जी हाँ, आपने सही पहचाना, हमारे साथ है अखिल सचदेवा जी। वेलकम टू फिल्मी मंत्रा अखिल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। अच्छा, रिसेंटली आपकी जो सिंगल लॉन्च हुई है जिसका नाम है नैन न जोड़े, इसका मतलब क्या है और कहाँ से इसका आगाज हुआ? नैना जोड़ी का मतलब होता है बेसिकली वो जब आप किसी के बिना रह नहीं सकते, आप किसी को इतना प्यार करते हैं कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, जब आपके अंदर ये वाली फीलिंग आ जाती है। प्यार में भी बहुत अलग अलग एक्सप्रेशंस और इमोशंस होते हैं, तो जब आपको ये फीलिंग आती है कि नहीं, मैं इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, एंड आई एम सो पोजेसिव कि ये किसी और के साथ नैना जोड़ ले। सो इट्स दैट एंड वेयर आई एम प्लेइंग दैट रोल, जहाँ मैं बेइंतहा मोहब्बत में हूँ किसी के साथ, और कुछ स्टोरी में ऐसा होता है कि वो मुझे पहले मिलती नहीं है और मेरा दिल टूटता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नैना जोड़ी। अच्छा, इस यू नो सॉन्ग का आगाज किस तरीके से हुआ था, कहाँ से आया था ये आइडिया? बिकॉज इससे पहले भी यू नो बधाई हो में ये सेम ट्रैक हो। हाँ, या सो नैना जोड़ी बेसिकली जो जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, पाकिस्तानी लेजेंडरी सिंगर हैं रेशमा जी, जिनका लंबी जुदाई, यारा सिली सिली, सब गाने हमने सुन रखे हैं, पर ये गाना उनका लिखा हुआ, उन्हीं के वर्ड्स हैं, नैना जोड़ी, जिन्होंने तकरीबन 30-35 साल पहले तकरीबन कुछ लिखा बनाया होगा। तो इंडिया के अंदर और ये गाना एक्चुअली पाकिस्तान में भी ज़्यादा इतना सामने नहीं आया था, उभर के नहीं आया था, वो होता ना एक अंडर रेटेड सॉन्ग हो जाता है, वो वहीं रह जाता है, तो वो ज़्यादा सामने नहीं आ पाया गाना। तो समहाउ टी सीरीज जस्ट ऑफर्ड मी, एंड आई डोंट नो ये कॉन्सिडेंस था या फिर एक टेलीपैथी थी, या मैं बचपन से उनको सुनता हूँ और मेरा हमेशा से मन था कि मैं ऐसा, मतलब इस तरह की पुरानी गायकी मुझे बहुत पसंद है। तो ये टी सीरीज ने मुझे ऑफर किया गाना, आई थिंक कि हमें एक सिंगल करना चाहिए। सो देन रोचक कोहली सर को बोला उसको रिक्रिएट करने के लिए, तो हमने सिर्फ पुराना जो था नैना जोड़ी वो रखा है, बाकी सारे लिरिक्स कुमार पाजी ने लिखे हैं, और वी चेंज द लिरिक्स बट वाइब वही रखी है, एक ओल्ड सोल, एक थोड़ी सूफियाना ट्रेडिशनल वाइब वही रखी है, बट यस बोल बदल दिए गए हैं और कंपोजिशन एक बहुत खूबसूरत रोचक सर ने उसको वापस वैसे क्रिएट कर दिया है। तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, और फिर आई पर्सनली फील कि मेरी आवाज़ ऐसे गानों को काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। आई डोंट नो हाउ, एंड आई एम ग्लैड, आई एम थैंकफुल टू भूषण कुमार सर ऑल्सो, कि उन्होंने ही मस्ट हैव फेल्ट इट, और उन्होंने मुझे गाना ऑफर किया, और वी शॉट फॉर इट इन मॉरिशियस, और उसके बाद वो इतना अच्छा गाना बन गया है, ये मतलब गाना इतना खूबसूरत है, था भी पहले भी, कि बधाई हो फिल्म जो था उसमें टी सीरीज आर ओनली द म्यूजिक लेबल देयर, तो उसमें वो फिट बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत पसंद, आयुष्मान इज अ फ्रेंड, तो उसने मेरा ही व्हेन आई डब द सॉन्ग, तो ही हर्ड द सॉन्ग देयर आल्सो, सो ही रियली वाज फॉन्ड ऑफ दिस सॉन्ग। तो सिचुएशन ऐसी थी उनकी फिल्म में, उनको लगा कि जाता है गाना, तो वी वर वेरी क्लियर विल कीप द सेम वर्जन, सिर्फ आवाज़ बदलेंगे, कोई अलग अलग दो रिप्राइज वर्जन नहीं है, कुछ अलग से नहीं करा। तो फिल्म के अंदर आयुष्मान और नेहा कक्कड़ ने गाया, और मैं तो ऑलरेडी कर ही चुका था इसका सोलो वीडियो मॉरिशस में, तो सिंगल निकालेंगे, मेरा फिल्म वर्जन हो आएगा, सो इट वॉज वेरी मच क्लियर, बट अच्छा है गाना, दो दो जगह पहुंच गया, अलग अलग स्टोरीज और अलग अलग फेसेस के साथ। जी अगर मैं बात करूँगी स्टोरी की, कहीं ना कहीं जैसे कि आपने आमिर खान और मनीषा कोइराला की जो मूवी थी मन, उसके जैसे सिमिलर है ये स्टोरी, यू नो वहाँ पे भी आमिर खान वेट करते हैं एंड मनीषा कोइराला नहीं आ पाती हैं, तो कहीं ना कहीं कम सिमिलर बताया जा रहा है इस स्टोरी को, तो ये क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? आई डोंट नो, मुझे मैंने ऑनेस्टली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैंने फिल्म देखी नहीं है मन, बट इसमें ऐसा है कि आप मतलब मुझे यस पहली नज़र में जो रूही जो मेरी को एक्टर हैं जो उसमें वो एक जेनी उसका किरदार निभा रही हैं, तो व्हेन आई सी हर फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली आई जस्ट फॉल फॉर हर, एंड वो भी मुझे पसंद करती हैं, बट कैरेक्टर हमारा दोनों की नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर अलग अलग हैं, वो बहुत चिल्ड आउट सी हैं, मैं बहुत शाय इन लव, और थोड़ा वैसा सा हूँ कि आप सिर्फ शी आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी अराउंड यू, मतलब मेरा ऐसा सा उन्होंने कैरेक्टर लिखा है। तो वो मिलते हैं, कुछ एक घटना हो जाती है कि जहाँ मैं उसको शादी के लिए पूछता हूँ, और वो मुझे बोलती हैं कि वो मुझे मिलेंगी, और वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं, और वो क्यों नहीं पहुँच पाती, उसमें वो वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें पता लगता है कि वो पास में उनके साथ जो एक्सीडेंट हो गया जो भी हुआ, तो वो एक
मिसकम्युनिकेशन थी, फिर मैंने भी नहीं पता करा, मुझे लगा मुझे छोड़ के चली गई हैं, क्योंकि वो चिल्ड आउट सी रहती थी, उनको फ़र्क नहीं पड़ा होगा, तो वहाँ वो चीज़ था. तो देयर आई फेल्ट कि मुझे लगा कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, और अब तो शादी के लिए भी मैं वहाँ कर चुकी हूँ और आई नहीं है, तो वहाँ मेरा दिल टूटा है. और इसलिए बट आई थिंक आई रियली एन्जॉयड वर्किंग ऑन दिस वीडियो ऑल्सो, लाइक मोर देन जस्ट सिंगिंग एंड डूइंग माई मतलब म्यूजिक पार्ट, जो कि मैं मेरा कोर वो रहा. बट आई थिंक आशीष सर द डायरेक्टर ऑफ द वीडियो, ही मेड मी डू फैंटास्टिक जॉब, एंड आई थिंक मेरी वन ऑफ द जो भी बेहतर एक्टिंग और अदाकारी भी कर पाया हूँ मैं. तो मेरे को एक्टिंग का ध्यान है मूवीज में आने का? नहीं, अब से कोई ध्यान नहीं है, बट यस कोई रोकूंगा भी नहीं अपने आप को. आई हैव टू वर्क ऑन इट, एंड बट यस आई हैव रियलाइज कि देयर इज एक संगीतकार और एक म्यूजिशियन से बढ़कर भी वो तो प्रायोरिटी, मतलब उससे ऊपर कोई प्रायोरिटी ले नहीं सकता मेरे लिए, इवन इफ आई एक्ट और इफ आई डोंट एक्ट. बट एक्टिंग देयर इज समथिंग एल्स, कुछ और भी है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है, इज देयर एंड इट कम्स नेचुरली. तो yes, let's see, I've not planned. So, जो ये story है, कहीं ना कहीं आपके real life में भी कुछ ऐसे incidents हुए हैं? नहीं. एक बार? नहीं, कोई हुए हैं एक बार का क्या मतलब होता है? नहीं नहीं नहीं, एक बार भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ. In fact, yes, as a person, I have a dual personality, because mostly जो लोग मुझे stage पे जानते हैं, it's a different vibe altogether, different person. They say कि वो एक अलग persona है, और इसके कुछ characteristics मेरे जैसे हैं. The guy that I'm playing here, I definitely have in person when I was doing it, मुझे लगा yes, मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी ऐसा हूँ. मतलब if I'm in love, if I think कि मैं किसी को बेहतर मोहब्बत करता हूँ, तो मैं भी कुछ काफ़ी ऐसी character की जैसा हूँ. But वो normally लोगों को दिखती नहीं, वो वाली side नहीं दिखती, क्योंकि that's a different side altogether, but that's also me. पर बहुत naturally था और बहुत अच्छा लगा. And I think उसमें जो वो रोने वाला भी एक सीन था, जब वो मैं भैया, तो बहुत अभी बहुत लोगों ने उसको मुझे मैसेजिंग मी एंड ट्वीटिंग मी ऑल्सो फॉर द सेम, कि वो बहुत जेन्युइन लगा था और बहुत हार्टफेल्ट लगा था. और एक दो जगह, और स्पेशली दैट चर्च सीन, वही जहाँ पर वो शादी पे नहीं आती हैं. तो आई थिंक या सो दोज इमोशंस, या सो दैट इज आई थिंक वो भी आशीष सर का भी एक फेवरेट शॉट है वो, क्योंकि उन्होंने मुझे फ्रीडम दे दी, उन्होंने गाना चला दिया था, और उन्होंने मुझे समझाते गए, नरेट करते रहे, डायरेक्ट करते रहे, और मैं सिर्फ अपने इमोशन में था मैं, और मैंने उसको छोड़ा नहीं. 5-7 मिनट तक आई थिंक गाना दो बार रिपीट हुआ, और मैं पूरे उसके अंदर ही था, मैं एक्सप्रेशन बदलता गया, उन्होंने वहाँ से निकाले वो. बट इज आई थिंक मैं क्योंकि फील करता हूँ, और मैंने गाने को जिया है, गाने को मैंने जब से ये गाना ऑफर हुआ था हमें बिना रिक्रिएट, अभी तो हमारे पास लिरिक्स भी नहीं थे, तो तब से मुझे पता था कि इस गाने में मुझे ये गाना मेरे लिए है. और जब एक आर्टिस्ट खुद उसको गाता है इतने दिल से, तो आई थिंक और कनेक्टर बॉन्डिंग हो जाती है. तो मुझे था कि अब ऑडियो इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वीडियो में कोई कमी ना रह जाए, तो आई थिंक वो नेचुरली बहुत आया था अंदर से एक्टिंग. ओके, ना आपने काफ़ी रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हैं, और ऐसे कोई एक्टर है जिनको आप अपनी आवाज़ देना चाहेंगे, या आप जिनके लिए गाना चाहेंगे? मैं एक्चुअली मैं सबके लिए गाना चाहूँगा, बट यस मैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, जिनको मैं लास्ट टाइम भी मैंने गर्ल्स उनके टाइम पर भी बोला था जब सिंगल रिलीज हुआ था हमारा, कि रणबीर कपूर डेफिनेटली मैं उनके लिए गाना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत उनके जैसा, आई फील वी हैव अ सिमिलर सोल्स, या तो मैं उनके लिए ज़रूर गाना चाहूँगा. हाँ, मतलब आप, मुझे लगता है आई फील दैट कुछ एक मेरा कामिक कनेक्शन या कुछ है, सो रणबीर वुड बी द पर्सन दैट आई वुड वांट टू सिंग फॉर. यू नो, इफ यू टॉक अबाउट द शूटिंग, ऐसा कोई ऐसा सीन जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था शूट करने के वक्त? मुश्किल नहीं था, आई थिंक ओवरऑल वीडियो में काफ़ी सारी मुश्किलें आई थी, देयर वर ups and downs. That scene where you know between the water. Yes, वो जो between the water, वो जो आपने कहा था कि rock पे, वो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, वो drone shots ले रखे हैं और वैसा, but मुझे पता क्योंकि मेरे एक तो हाथ पे चोट लगी हुई थी, और वो इतना dangerous था वहाँ तक पहले जाना, वो boats पे जाते थे. पहला shot जब आपने कहा, मैं रूही को भी जो पकड़ के poster shot में एक था कि रूही को भी पकड़ा हुआ उस boat rock पे, वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं 1.5 घंटा boat से जाना पड़ता था, और अगर आप उसमें नंगे पैर जाएंगे वहाँ पर चढ़ते, तो आप स्लिप कर सकते हैं वहाँ पर. कीड़े कुछ ऐसे थे, वॉर्म्स थे, जो वो भी था डर, और चप्पल में भी इट वाज डिफिकल्ट टू, तो इट वाज बहुत डिफिकल्ट था. और आई थिंक एक दफ़ा एक मोमेंट था स्पेशली, जिसमें वो लास्ट मोमेंट में आता, जहाँ मैं ऐसे अपनी बाहें फैला के वो दैट आई एम इमोटिंग दैट मोमेंट, वो आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट शॉट भी है. बट वहाँ पर सब ने मना कर दिया था, इवन माई मैनेजमेंट दे सेड, दो मैन वी वेंट टू द रॉक, उस रॉक पे गए स्पेशली,
तो सबने मना करा कि ये तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लाइक बिकॉज यू ऑलरेडी हर्ट योर सेल्फ एंड इट्स ओके, वी कैन डू विदाउट इट. बट आई थिंक वो समाओ आशीष सर को भी वो था कि नहीं आखिर चला जाएगा, क्योंकि उन्हें पता कि मैंने डिसाइड कर लिया तो मैं चला ही जाऊंगा कुछ भी करके. सो आई सेड नो, आई वांट टू गो, आई टेक केयर ऑफ. इट वाज डिफिकल्ट, वो वाले शॉट्स एक्चुअली ये वीडियो में काफी डिफिकल्ट शॉट्स थे. वो बोट के ऊपर भी बैठे हुए, या एक वो बोट के ऊपर बैठे हुए भी जो मैं एच पे बैठा हूँ बिना किसी सपोर्ट के, तो वो भी वो था और वो चलती हुई बोट थी, मतलब काफी फास्ट स्पीड पे, बट वाज फन, वाज फन. So, you know, if you talk about your co-star, how was the bonding? And you know, you had met for the first time, right? On this air. Yes, now we are good friends. But तो मैं मेरा पहली दफा था उन्हें, और I think वो जितनी खूबसूरत लगी है वीडियो के अंदर, मतलब I really feel कि एक तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही मेरी उसके साथ इस वीडियो में. I personally felt that. I think, I don't know, आपने देखी, आपको कैसा लगा, but मेरी उसके साथ केमिस्ट्री मुझे. I thought you know each other, you know, from. नहीं, ऐसा नहीं था. But I think best part about her, क्योंकि वो एक ब्यूटी पेजेंट कॉम्पिटिशन जीती हुई है, तो वो सब है, तो उनका एक अलग फील, अलग माइंड सेट से अपना, बट आई थिंक उसके बावजूद उन्होंने शी इज डिलीवर्ड हर बेस्ट, एंड आई पर्सनली विश हर ऑल द बेस्ट विद दिस वीडियो ऑल्सो, दैट डेफिनेटली उसके फेवर में करना भी चाहिए, बिकॉज शी डिजर्व्स इट. एंड सुंदर सिर्फ नहीं लग रही है, मतलब शी हैज प्लेड दैट इमोशन ऑल्सो, लाइक आई थिंक, और क्योंकि उसके इमोशन होंगे तभी मेरे भी वहाँ से फिर निकले, या फिर अगर मैं इस वाइस वर्सा थिंग, तो मुझे पर्सनली लगा कि उसने अच्छा काम किया बहुत. लास्टली फैन से क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस सॉन्ग एंड ऑल? कुछ कहने नहीं चाहूंगा, बस सुनना है आपने और शेयर करना, और कुछ नहीं करना, बस सुनना है बस और पसंद करना है, बिकॉज आई नो जो सुनेगा वो पसंद जरूर करेगा. इट्स दैट काइंड ऑफ अ मेलोडी, दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग. मैंने बोला कि 35 साल पहले तो लिखी गई थी, अब हमने उसको रिक्रिएट करा है यहाँ पे, तो जो 35 साल से सुनते आ रहे हैं कोई उस गाने को, जो उन्होंने भी पता नहीं कब तक कितने सालों तक गाया होगा, तो कुछ मेलोडीज होती हैं वो रहती हैं आपके जहन में, और ये वैसी ही मेलोडी, वैसे ही गाना. थैंक यू सो मच अखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सो मच.